तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेट्स गेमिंग में। तो फ्रेंड्स, कल यानी 15 अक्टूबर के माइनक्राफ्ट लाइव में हमें बहुत कुछ नए अपडेट्स मिले हैं और हमारे मॉब वोट का विनर भी अनाउंस हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अनाउंस हुए हैं माइनक्राफ्ट लाइव में। तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉब वोट का विनर कौन है। तो वो है टफ गोलेम। मजाक था क्योंकि इसे सबसे कम वोट मिले हैं, विनर तो स्नीपर है। तो हाँ फ्रेंड्स, अब ये एंशियंट मॉब माइनक्राफ्ट में आएगा और हमें कुछ नए प्लांट्स देगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ नए स्किन्स की जो कि अनाउंस हुए हैं। तो आपको पता होगा माइनक्राफ्ट में सिर्फ दो ही डिफ़ॉल्ट स्किन थे, एक था स्टीव का और दूसरा एलेक्स का। लेकिन अब हमें 7 न्यू स्किन्स देखने को मिलेंगे माइनक्राफ्ट में, तो ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगला हमें हैंगिंग साइन देखने को मिलेगा माइनक्राफ्ट में। तो इनसे पहले आप लोग को पता होगा कि साइन को हम लोग सिर्फ ज़मीन पे गाड़ सकते थे या फिर दीवार पे लगा सकते थे, लेकिन अब आप लोग इसे हवा में भी लटका सकेंगे चेन की मदद से। तो ये डेकोरेशन के लिए अच्छा है और इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। अगला हमें बम्बू के ब्लॉक देखने को मिलेंगे, जो इससे पहले बम्बू ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बिल्डिंग में किसी काम का नहीं था। इससे सिर्फ आप लोग स्टिक्स बना सकते थे या फिर इसे फर्नेस में यूज कर सकते थे, लेकिन अब आप बम्बू से बहुत मस्त बिल्ड कर पाएंगे क्योंकि अब बम्बू के ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस होंगे गेम में, जैसे कि बम्बू स्टेयर्स, बम्बू स्लैब्स, बम्बू फेंस एंड बम्बू गेट। तो अगला हमें बम्बू राफ्ट देखने को मिलेगा। तो बम्बू ब्लॉक सिर्फ बिल्डिंग के ही काम नहीं आएगा, अब आप दूसरे चीज़ें भी उससे बना सकेंगे। उनमें से एक है बम्बू की राफ्ट। तो अभी तक इसका ज़्यादा यूज़ तो हमें पता नहीं है, कुछ ये बोट को रिप्लेस करेगा और इसके बारे में हमें बाद में कुछ डिटेल में पता चलेगा। तो बम्बू से एक और चीज़ क्राफ्ट कर सकेंगे जो कि है चिजल बुक सेल्फ। तो ये बुक सेल्फ हमारे नॉन बुक सेल्फ से बहुत ही अलग है। चिजल बुक सेल्फ में आप लोग अपने बुक को स्टोर कर पाएंगे, इंचेंटमेंट बुक को भी आप लोग स्टोर कर पाएंगे और इसे आप लोग रेडस्टोन वर्क में भी यूज कर सकेंगे। आप लोग इससे सीक्रेट बेस बनाने के लिए भी यूज कर पाएंगे। तो लास्ट अपडेट जो अनाउंस हुआ है वो एक एनिमल है, उसका नाम है कैमल। हाँ फ्रेंड्स, अब हमें माइनक्राफ्ट में कैमल भी देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आप लोग राइड कर सकेंगे। इस पर एक बार में दो लोग बैठ सकेंगे, तो आप इसमें अपने फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन ये हॉर्स से थोड़ा स्लो होगा, बट ये बहुत ऊँचा जंप कर पाएगा। और हाँ, आपको इसका बेबी वर्जन भी देखने को मिलेगा। आप लोग कैमल को ब्रीड करवा पाएंगे, इन्हें आप लोग कैक्टस खिला के। तो बस माइनक्राफ्ट लाइव में इतना ही अनाउंस हुआ था और इन सारे अपडेट्स के बारे में डिटेल में हमें 27 अक्टूबर को पता चलेगा। तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माइनक्राफ्ट लाइव कल रात में 11 बजे ख़त्म हुआ था और मुझे वीडियो बनाते बनाते 3 बज गए थे, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं इसलिए। तब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।